प्रदेश के अयोध्या में 12 साल की बच्ची से गैंगरेप के मामले में मोहम्मद मोइन खान को गिरफ्तार किया गया है। मोइन खान समाजवादी पार्टी का नेता है। अब पता चला है कि मोइन का नाम पहले भी कई आपराधिक मामलों से जुड़ता रहा है। दावों और रिपोर्ट्स के मुताबिक कई मामलों में नाम आने के बाद भी उसके राजनीतिक प्रभाव के कारण उस पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। 12 साल में उसके खिलाफ ये पहली बड़ी कार्रवाई है। आरोपी मोइन खान की संपत्ति की कथित कुर्की के बाद अब उसे गिराया जा रहा है। पिछले 2 दशक में उसने समाजवादी पार्टी के शक्तिशाली लोगों से अपने रिश्ते मजबूत बनाए, जिससे इलाके में उसका ठीक ठीक प्रभाव बना। मोइन को भदरसा नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद राशिद का करीबी बताया जाता है। उसके पिता मोहम्मद अहमद का भी इलाके में काफी प्रभाव था। 24 अक्टूबर 2012 को भदरसा में दुर्गा पूजा जुलूस के दौरान सांप्रदायिक दंगा हुआ था, जिसके कारण भोला गुप्ता नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। मोइन खान और मोहम्मद अहमद पर दंगा भड़काने और हत्या का आरोप लगा था। मोइन को FIR के बाद जेल भेज दिया गया था, लेकिन उसका प्रभाव इतना था कि लोग बताते हैं कि भदरसा पुलिस चौकी उसके घर से ही चलती थी। हालांकि स्थानीय लोगों ने यह भी दावा किया कि पुलिस चौकी वास्तव में मोइन के घर में नहीं बल्कि उसके एक करीबी सहयोगी की संपत्ति पर थी। साल 2012 में अपने करीबी लोगों के सहारे मोइन खान समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष बन गया। इस पद पर वो अब तक भी बना हुआ है। उस पर आरोप लगते हैं कि अहमद के संरक्षण में मोइन ने सरकारी और गरीब लोगों की जमीनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, UP तक।